लास्ट टर्म पर e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई कॉस ए एक्स प्लस बी वाई एंड ए एक्स प्लस बी वाई टू दी पावर एन। और इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वन अपॉन एफ डी डी डैश, यहां पर फंक्शन कोई भी है ए एक्स प्लस बी वाई टाइप, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एफ ए बी इंटीग्रेशन, जितने डिग्री का फंक्शन होगा उतने टाइम्स इंटीग्रेशन आएगा, और यहां फंक्शन एफ ए एक्स प्लस बी वाई सॉरी इसको हम यू में डिनोट कर लेते हैं, यू से डी यू डी यू अप टू एन टाइम्स, ठीक है, वेयर यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपको बताया गया था। अब इसमें एक केस ये भी था जो डायरेक्टली एफ ए बी अगर जीरो हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू कॉस टू एक्स प्लस वाई। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय बाय टेकिंग b इज इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1। d को m ले लिया जाता है और d डैश को 1 ले लिया जाता है। इन दिस केस ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। सो m के जो फैक्टर्स यहां पर होंगे 2, 3 जा 6 एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू मिलती है आपको 2 एंड माइनस 3, ये दो वैल्यू आपको मिल गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे लिखते थे, f1 y प्लस 2x एंड प्लस 3 आएगा, हाँ जी प्लस के 3 नहीं, एम की वैल्यू एम प्लस 3 इक्वल टू 0 तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात है, पी आई जब हम फाइंड करते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। देखिए जब यहां वैल्यू आप रखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6 ये 0 हो गया है ना, इस केस में 0 हो जाता है। तो अब आप क्या करते हैं इसको d की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और x से मल्टीप्लाई 2d प्लस डी डैश और ये 0 हो जाना है cos 2x प्लस वाई। अब यहां आप क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ कि आपको मालूम है जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो cos 2x प्लस वाई समझ लीजिए, जब आप डी की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 टाइम्स साइन 2x प्लस वाई, और अगर इसको दोबारा से किया जाए डी स्क्वायर cos 2x प्लस वाई
दो बार करना है तो ये माइनस का 4 cos 2x प्लस y, राइट, यानी दो बार करने पर ये फंक्शन वापस रिपीट हो गया सेम। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ डी स्क्वायर की जगह क्या दिखाई दे रहा है, माइनस तो एज इट इज 2 स्क्वायर cos 2x प्लस y, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप इसको डी डैश में करते हैं, डी डैश स्क्वायर दो बार करते हैं cos 2x प्लस y को, तो भी ये माइनस में आएगा और दो बार y का मल्टीपल बाहर आएगा, वो 1 ही है तो 1 ही रहेगा, तो cos 2x प्लस y, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 का स्क्वायर cos 2x प्लस y। और अगर d d डैश कर लिया जाए तो एक बार डी की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और डी डैश एज इट इज कॉस सॉरी साइन 2x प्लस y। अब आप माइनस 2 एज इट इज डी डैश की रेस्पेक्ट में साइन का हो जाएगा कॉस 2x प्लस y और 2x प्लस y को करते हैं तो y का 1 हो जाएगा, 2x का 0, तो ये हमारे पास आया। तो इसका मतलब ये है कि माइनस तो एज इट इज, 2 तो आया डी की जगह पर और 1 आया डी डैश की जगह। तो ये ए है और ये बी है, ए और बी की जगह पर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो वापस फिर से कोस में कन्वर्ट हो गए। तो ये रीजन था, लेकिन यहां सब जो सेम फंक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं कब, या तो डी स्क्वायर हो, डी डैश स्क्वायर हो या डी डी डैश हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां ये सब 1 डिग्री में आ गए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी से ही डिवाइड करेंगे, 2d² प्लस डी डी डैश cos 2x प्लस y, राइट। तो अब क्या करना है, x तो एज इट इज d की जगह 2 रखेंगे और डी डी डैश 2 एंड 1 x, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा d की रेस्पेक्ट में, माइनस के 2 साइन 2x प्लस y अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, तो वैल्यू मिलती है आपको माइनस 2x माइनस 2x साइन 2x प्लस y अपॉन 2 × 4 × 8 प्लस 2 × 10, तो ये 2 से कैंसिल कर लीजिए, माइनस x अपॉन 5 साइन 2x प्लस y, तो ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो z का सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास यहां रखा हुआ है f1y प्लस 2x प्लस f2y माइनस 3x प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया x अपॉन 5 साइन 2x प्लस y, तो ये इसका रिजल्ट। तो यहां ये केस मैंने इसलिए बताया कि जब भी ये 1 डिग्री में आ जाए तो इसको कैसे करना है, डी से मल्टीप्लाई और डी से ही डिवाइड करना है, उसके बाद ये सेकंड डिग्री में हो जाएगा जिससे कि ये फंक्शन जो है वापस रिपीट होगा और इसकी वो प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं जो आपको बताई। क्लियर हुआ सबको। अब नेक्स्ट
आगे चलते हैं यस हाँ एक मिस्टेक कर गए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल में, जरा दोबारा से देखिए डी स्क्वायर प्लस डी वी डैश माइनस सिक्स वी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये जीरो हो गया था, तो जीरो केस में हमने क्या किया था, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया था, टू डी प्लस डी डैश ये वैल्यू आपके पास आई थी और एक्स से। इसके बाद हमने बताया कि इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे और डी से डिवाइड करेंगे, यहाँ मिस्टेक क्या हुई, बी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा माइनस के टू साइन टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ जब वैल्यू रखते हैं तो हम प्लस में रख गए क्योंकि क्या होगा माइनस का टू स्क्वायर और प्लस माइनस के टू इंटू वन नेगेटिव आता है ना साथ में, तो माइनस के टू एक्स साइन टू एक्स प्लस वाई अपॉन ये हो गया माइनस टेन, तो ये एक्स अपॉन फाइव साइन टू एक्स प्लस वाई ये है, क्लियर हो गया। तो वो माइनस की गड़बड़ कर गए थे हम, माइनस छोड़ गए थे, तो इसको आप देख लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये तो आप साइन में देख लेंगे, अब चलते हैं आप वन क्वेश्चन फॉर एक्स प्लस बी वाई टाइप में ले लिया जाए, डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश माइनस एट डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये रूट टू एक्स प्लस थ्री वाई, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं पहले एम स्क्वायर प्लस के टू एम माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये कैसा आई आफ्टर रिप्लेसिंग डी बाई एम एंड डी डैश इक्वल वन, ये पुट किया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल गई। इसके फैक्टर्स आप करें क्या फैक्टर होंगे, फोर टू जा एट एम स्क्वायर माइनस के फोर एम और प्लस के टू एम माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस टू मिलती है और एक फोर मिलती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हुआ सी एफ इक्वल टू एफ वन वाई माइनस टू एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस फोर एक्स, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वन बाय डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश माइनस एट डी डैश स्क्वायर, फंक्शन आपके पास है टू एक्स प्लस थ्री वाई टू दी पावर हाफ, अब ये सेकेंड डिग्री का है, इस सेकेंड डिग्री में हम क्या करते हैं कि वन अपॉन एफ बी ए बी
एबी ए की जगह यानी डी की जगह टू और डी डैश की जगह थ्री, तो टू का स्क्वायर प्लस के टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस एट इंटू थ्री का स्क्वायर, और सेकंड डिग्री है तो टू टाइम्स इंटीग्रेशन, इसको यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा यू टू दी पावर हाफ डी यू इंटू डी यू, वेयर यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई। तो ये कैलकुलेशन देखिए कितनी आ गई, फोर प्लस ट्वेल्व नाइन सेवेंटी टू माइनस में, और इसको इंटीग्रेट दो बार किया जाए, एक बार करेंगे तो यू की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, अब इसी को दोबारा से फिर करेंगे तो ये टू बाई थ्री तो ये इधर हो जाएगा, और यू टू दी पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, तो टू ऊपर हो जाएगा एंड फाइव, तो फोर अपॉन फिफ्टीन यू टू दी पावर फाइव बाई टू, तो वन बाय ये माइनस हो जाता है सिक्सटी, और माइनस सिक्सटी प्लस फोर तो माइनस के फिफ्टी सिक्स राइट इंटू फोर बाय फिफ्टीन यू टू दी पावर, यू की वैल्यू पुट कर लीजिए वापस जो कि है टू एक्स प्लस थ्री वाई रेस टू दी पावर फाइव बाई टू, फोर से कैंसिल कर सकते हैं तो फोर्टीन की और फिफ्टीन की आप मल्टीप्लाई कर लें, माइनस वन अपॉन फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी छः पंद्रह और छः इक्कीस दो सौ दस साइन और टू एक्स प्लस थ्री वाई रेज टू दी पावर फाइव बाई। तो ये रिजल्ट आ गया, अब कंप्लीट सॉल्यूशन जेड के लिए जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, यहाँ सी एफ रख लेंगे और ये पी आई आ जाएगा, एम आई क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन आ गया है एक नेक्स्ट जो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन फोर डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस डी स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू सिक्सटीन लॉग आ गया इस बार एक्स प्लस टू वाई, लॉग में फंक्शन है तो देखिएगा। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन वैसे ही चल रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम, ये डी डैश स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ डी डैश स्क्वायर डैश चलेगा फोर एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर देखिए क्या हो सकता है, टू टू जा फोर, टू एम माइनस वन का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू जीरो, तो एम की दो वैल्यू मिल गई हाफ एंड हाफ, दो सेम वैल्यू, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपल हो गया एफ वन
वाई प्लस हाफ एक्स एन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ टू वाई प्लस हाफ एक्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वन बाय फोर बी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर सिक्सटीन लॉग एक्स प्लस टू वाई। अब इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आप क्या करेंगे, तो देखिए यहां जब आप वैल्यू रखते हैं चेक कर लीजिए। सबसे पहले फोर इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू तो एट हो गया एंड प्लस डी डैश फोर टू का स्क्वायर तो ये जीरो हो जाता है। अब ये अगर जीरो हो गया तो अब इसको क्या किया जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई और इसको डी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एट डी माइनस फोर डी डैश और ये हो जाएगा जीरो इंटू सिक्सटीन लॉग एक्स प्लस टू वाई। फोर कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा फोर एक्स अपॉन फोर डी माइनस डी डैश और ये लॉग एक्स प्लस टू वाई। अब ये सिंपल वन डिग्री में आपके पास है, अब ये वन डिग्री में है तो क्या करते हैं आप इसको फोर एक्स अपॉन एक्स का मल्टीपल वन डी की जगह पर आ जाएगा फोर इंटू वन माइनस के डी डैश की जगह आएगा टू और सिंगल इंटीग्रल क्योंकि वन डिग्री का है लॉग ऑफ यू डी यू फोर एक्स फोर माइनस टू तो टू और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर वन दे दिया जाएगा इंटू में और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनता है लॉग यू इंटू यू माइनस इंटीग्रेशन लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है वन अपॉन यू वन का इंटीग्रल यू डी यू ये कैंसिल हो गया तो ये टू एक्स यू इंटू लॉग यू माइनस यू। अब यू की वैल्यू रख सकते हैं आप, यू की वैल्यू है क्या एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई कॉमन ले सकते हो तो टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस टू वाई एंड इन ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस टू वाई माइनस वन दैट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर हो गया आप सबको? अच्छा अच्छा दिख रहा है अब? यस सर अब सही। तो ये है भाई, इसमें जो है अब ये कंप्लीट हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, सिक्सटीन
यहाँ से आपने फोर कॉमन लिया था कैंसिल, तो फोर कॉमन लेने पर सॉरी फोर टू जा यहाँ पर आएगा टू, और ये टू आ जाने से ये फिर से जीरो हो गया, ये मिस्टेक आ गया। क्यों? क्योंकि ये अगेन जीरो बन रहा है, वन रखेंगे और यहाँ पर टू रखेंगे तो टू माइनस टू अगेन जीरो। तो अब आपको क्या करना होगा, फिर से एक्स से मल्टीप्लाई, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टू ही रहेगा और लॉग एक्स प्लस टू वाई टू टू जा फोर। तो ये तो यही सिंपल हो गया एक्स प्लस टू। ये ध्यान रखे बस कि जब भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं जितने टाइम्स जीरो होगा आपने क्या करना है उसको डिफ्रेंशिएट करते जाना है और एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये वैल्यू आ गई कंप्लीट सॉल्यूशन, आप यहाँ रख देंगे जेड इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई जो आपके पास आया है वो टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस टू वाई इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, बस कैलकुलेशन ध्यान रखें, मिस्टेक मत करना जैसे हो गई। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, अब फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है ये नेक्स्ट केस है, देखिए अब तक तो आप ax प्लस by टाइप फंक्शन कर रहे थे, अब मेरे पास फंक्शन आ रहा है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एम। यहां पर x और y की मल्टीप्लिकेशन है राइट, तो यहां जो पर्टिकुलर होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए केस फर्स्ट, इफ एम इज ग्रेटर देन एम, यहां पर पर्टिकुलर जो इंटीग्रल होगा वो डिपेंड होगा इनकी पावर्स पर। पहला केस है इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू एन हो, इस केस में हम क्या करेंगे देखिए, पी आई इक्वल वन अपॉन एफ डी डी डैश एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एम। इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम करते हैं इन दिस केस व्हाट विल यू डू, आपने क्या करना है यहां से बी की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कॉमन लेनी, तो वन अपॉन बी टू दी पावर, मान लीजिए एम एथ डिग्री का है या आर डिग्री का है सपोज जी, डी टू दी पावर आर एफ वन कोमा डी डैश अपॉन डी एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एम, और उसके बाद आगे अप्लाई करेंगे इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल चलाएंगे, उसके बाद उसका जो भी प्रोसीजर होगा वही बाइनोमियल वाला, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करके आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उसको एक्सटेंड कर लेंगे और फिर इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। केस सेकंड, इफ एम इज लेस देन एन, इन दिस केस पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वन अपॉन एफ डी डी डैश आपके पास है एक्स टू दी पावर एम वाई टू दी पावर एन, ये तो यहां क्योंकि m लेस देन n है तो n डिग्री बड़ी हो गई, तो n किसकी डिग्री है y की, y के लिए होता है d डैश, तो यहां d डैश कॉमन ले लिया जाएगा, मान लिया r डिग्री का ही है तो f d अपॉन d डैश कॉमा वन हो जाएगा और x टू दी पावर m y टू दी पावर m। अब इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई और ये आर टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के दो केस यहाँ पर होंगे, जो भी केस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट करें और उसको सॉल्व करें। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, वैसे ही सेम। तो एम डी को एम से और डी डैश को वन से रिप्लेस किया, तो यहां से एम की वैल्यू प्लस माइनस आई हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू एफ वन वाई प्लस आई एक्स एंड प्लस एफ टू वाई माइनस आई एक्स। यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से नहीं लिखा जाएगा, बस जहां एम होता है एम की जगह पर ही रखना है वो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां पर दोनों डिग्री सेम है, तो यानी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन वाला केस आ गया। इन दिस केस हम क्या करते थे, जो डी की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेंगे, वन अपॉन डी स्क्वायर कॉमन और वन प्लस डी डैश अपॉन डी ये होल स्क्वायर हो जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है ना? अब देखते हैं वन बाय डी स्क्वायर एज इट इज, इसको न्यूमरेटर में ले गए, वन प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर होल पावर माइनस वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखिए, भले ही आप इनकी डिग्री अलग अलग ही लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, इसको बाइनोमियली एक्सटेंड किया जाएगा। अब बाइनोमियली कैसे एक्सटेंड करते हैं, वन अपॉन डी स्क्वायर, ये आपको फंक्शन मालूम ही होगा कि वन प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन है या प्लस एन है, तो ये क्या हो जाता है वन माइनस एन एक्स प्लस प्लस माइनस एन माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर होता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक बार माइनस एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे चलता है। तो ये वन, अगर एन को वन ले लिया जाए तो ये सिंपल वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एन को क्या ले लिया जाए वन, तो यहाँ पावर माइनस वन हो जाएगी। तो ये वन हो गया, ये वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो माइनस तो कॉमन ले कैंसिल हो गया, वन इंटू टू से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो ये सिंपल है हमेशा, वन माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और एक्सटेंशन इसका कब तक करना है ये यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में डी डैश है, तो डी डैश की डिग्री और वाई की डिग्री जहां पर मैच हो जाए तो वहीं पर हम इसको क्लोज कर लेंगे, उसके बाद एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड से, ये भी मल्टीप्लाई करें, वन बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर डी टू दी पावर फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड नाउ यहां पर इंटीग्रेट करेंगे इसको,
डी की रेस्पेक्ट में दो बार, तो एक बार तो एक्स टू दी पावर थ्री बाय थ्री, फिर दोबारा हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर बाय फोर, तो थ्री टू फोर हो जाएगा ट्वेल्व, तो एक्स टू दी पावर फोर बाय ट्वेल्व इंटू वाई स्क्वायर। और यहाँ सबसे पहले डी डैश किया जाएगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो दो बार, तो एक बार तो वाई स्क्वायर का टू वाई, फिर दोबारा हो जाएगा टू वाई, तो एक्स स्क्वायर वन बाय डी की पावर फोर, तो ये हुआ टू एक्स स्क्वायर, वाई खत्म हो गया डिफ्रेंशिएट करने में। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, चार बार करना पड़ेगा तो चार बार करेंगे इंटीग्रल तो कितना आएगा, माइनस के टू ट्वेल्व एक्स की पावर, देखिए एक बार करेंगे तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन यानी थ्री, फिर दूसरी बार फोर, तीसरी बार हो जाएगा फाइव, और चौथी बार हो जाएगा सिक्स, और यहां पर भी सिक्स। क्लियर? तो एक्स टू दी पावर फोर वाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व माइनस टू से ये कैंसिल कर सकते हो, टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, थर्टी वन एट्टी एक्स टू दी पावर सिक्स बाई वन एट्टी, ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप जेड इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका है एफ वन y प्लस आई एक्स एंड प्लस एफ टू वाई माइनस आई एक्स, एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज एक्स की एक्स टू दी पावर फोर वाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व एंड माइनस एक्स टू दी पावर सिक्स बाई वन एट्टी, तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। वन वन एट्टी आप एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, आगे अगर करना चाहें तो प्लस में वन एट्टी एलसीएम आने से क्या होगा, ये ट्वेल्व और ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी यानी फिफ्टीन हो जाएगा, वो तो मर्जी है आप करें ना करें, बाकी सब कुछ है जी। तो यहां आपको बताया कि जो कॉमन लेना है वो किस पर डिपेंड है, एक्स और वाई की पावर पर, एक्स की पावर वाई से बड़ी है या बराबर है तो हमेशा डी की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, और अगर वाई की पावर बड़ी है एक्स से तो डी डैश की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। क्लियर हो गया सब? तो अब आप ये एक्सरसाइज करें, कल इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो आपको कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।